स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का ये आठवां चैप्टर जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, तेरा मॉरीशस वो देश है। देखो यहाँ पे तो छोटा सा देश के जो बारे में बताया, छोटा सा हिंदुस्तान के बारे में जो बताया जा रहा, तो किसके बारे में बताया जा रहा, मॉरीशस के बारे में, किसके बारे में, मॉरीशस के बारे में। ठीक है, तो वह देश जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, यानी कि बहुत ही छोटा देश है। तो मॉरीशस वो देश है जहाँ जहाँ के जनसंख्या के 67% लोग क्या हैं, भारतीय मूल के हैं। यानी पहले यहीं से अंग्रेज लोग उनको ले गए थे उनसे काम करवाने के लिए और वो वहीं पे बस गए। ठीक है, मॉरीशस एक द्वीप है जो कि देश में कन्वर्ट हो गया है। तो वह देश है जिसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुई है। ठीक है, कि गलियों के नाम का राजधानी क्या है, पोर्ट लुई है। उसकी गलियों का नाम किसी का कलकत्ता गली, मद्रास गली, हैदराबाद गली और बम्बई है। ठीक है, तथा जिसके मोहल्ले पूरे जिसके पूरे मोहल्ले का नाम क्या है, काशी है। ठीक है, मॉरीशस वो देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी और ब्रह्म स्थान भी है। ठीक है, ये सारी जगहों के नाम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, करा की यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को बम्बई से 16 जुलाई को नैरोबी और 17 जुलाई को मॉरीशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी की दुनिया मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। कहाँ पे, नैरोबी में। अब जैसे यहाँ मौका का मतलब क्या होता है, अवसर। रवाना का मतलब होता है कहीं जाना। लोभ का मतलब क्या, लालच। मुलाकात का मतलब तो जानते ही, मिलना होता है। और जग गया कि मॉरीशस भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। यानी कि वहाँ पे जो अफ्रीकी शेर रहते हैं उनको देखने की इच्छा हुई लेखक के मन में। ठीक है, तो दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। ठीक है, तो नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, यानी वहाँ पे जो नेशनल पार्क है वहाँ पे चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है, अच्छी अच्छी सड़कें हैं। पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती रहती हैं, यानी पर्यटक लोग वही शेर वेर देखने के लिए वहाँ पे आते रहते हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। ठीक है, दूरी तय करने के बाद यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने का होता मतलब होता है, यानी बार बार वहाँ पे घूम लेने के बाद उस जगह हम जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। ठीक है, वहाँ जो कुछ देखा वो जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे हुए सोए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें मतलब वही गाड़ियाँ खड़ी थी। तुर्रा यह कि सिंह को ये जानने की इच्छा ही नहीं थी। तुर्रा का मतलब यानी कि आश्चर्य करने वाली बात यह है कि उनको कोई जानने की इच्छा नहीं थी कि हम देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी दृष्टिपात का मतलब होता है देखना, दृष्टिपात नहीं किया है, देखा तक नहीं। मानो हम लोग तुच्छ, यानी कि किसी से जब कोई घृणा करता है तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, तो वह इस तरीके से शेरों ने उनके साथ बिहेव किया और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं है। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जंघाई दी, दूसरे ने देह को ताना और तीसरे ने सेई हुई सिंघानियों की देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी ने सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए, यानी पेड़ पौधे और खरपतवार की तरफ शेरों ने देखा लेकिन उन लोगों की तरफ शेरों ने नहीं देखा। ठीक है, इसीलिए लेखक कह रहा है कि वो खरपतवार से भी बदतर थे।
इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। दो जवान सिंह उठे और दूसरी ओर चल दिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ कर एक जगह बैठ गया, एक थोड़ा सा आगे जाके बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच जा छिपा और मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। मोर्चे पर आगे बढ़ने का मतलब है कि शिकार करने की तलाश में था। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया का मतलब देख लिया या समझ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। अतएव वो चरना भूल कर चौकन्ने हो गए, वो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूट कर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो ये थी कि हम देर तक रुकें और उन्हें देखें कि क्या होता है, किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था, यानी शाम हो रही थी, और 7 बजे तक मिस्टर पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर ये भी बात थी कि शिकार तो सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, यानी शेर जो शिकार करते हैं वो सूर्यास्त के बाद करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड में पिछड़ जाता है। यानी कि झुंड को पहले वो ऐसे झुंड का पीछा करेंगे, फिर जो पीछे रह जाएगा उसे वो खा जाएंगे। अब ये बात समझ आई कि हिरण भागने में निरापद गोले में क्यों खड़े थे। यानी कि वो गोले में इसलिए खड़े थे क्योंकि जब तक वो समूह में रहेंगे तब तक उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे या आक्रमण नहीं करेंगे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC नामक विमान में उड़े। ये विमान नैरोबी से शाम 4 बजे को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद वो मॉरिशस पहुंचा। तब वहाँ रात के लगभग 10 बजे थे, रात थी। अब वो लेखक नैरोबी में था अभी तक, अब कहाँ पहुँच गया है, वो मॉरिशस में पहुँच गया है, ठीक है। अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर हम भी हमारे स्वागत के लिए बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर, समा मतलब वहाँ पे जो महफिल थी या लोगों का जमावड़ा था, देखकर ये भाव जगह बिना नहीं रुका, हम यहाँ आए हैं वह छोटे से पैमाने पर भारत ही है, यानी जहाँ पे भारत के लोग होंगे वो भारत ही होगा। मॉरिशस से भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण देशांतर एवं 60 अंश के बिल्कुल पास है। यानी कि जैसे ये हमारी धरती है और ये इंडिया है, हिमालय हमारा भारत है और ये भूमध्य रेखा है, तो अगर आप भूमध्य रेखा से 20 डिग्री यानी यहाँ से होगा लगभग यहाँ पे, उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई बस इतनी है, उसके बाद आपको समुद्र मिल जाएगा। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1150 वर्ग किलोमीटर आता जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का वो सबसे खूबसूरत सितारा है जो कि मॉरिशस के भारतीयों से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, ठीक है। मॉरिशस में ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार हुआ, व्यापक यानी बहुत मात्रा में। मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी जो सभी जीवित जागृत संस्था हैं, जीवित जागृत संस्था का मतलब जो ज़्यादा कार्यशील हैं, ज़्यादा काम कर रही हैं, वैसी संस्थाओं को जीवित जागृत संस्था कहा गया। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है, ठीक है। क्रियोल भी एक भाषा है। क्रियोल के बाद मॉरिशस की दूसरी भाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ से भोजपुरी ही बोलते हैं, प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं, उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारण की भोजपुरी नहीं है, यानी वह उससे थोड़ा सा अलग है। फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं जिसको बार बार शब्द के अर्थ पूछने पड़ेंगे, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रेंच वर्ड जो वो लोग भी यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से समझ नहीं आती है। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है।
एक सूत्र में बांधने का मतलब एकता उनमें बनी हुई है, ठीक है। और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम हिंदी कर रही है, क्योंकि भारत में भी लोग हिंदी को बहुत मानते हैं और वहाँ भी बहुत ज़्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी। मॉरिशस में हिंदी हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास जी की रामायण है और वहाँ पे रामायण भी पढ़ी जाती है। मॉरिशस में ईंट की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। भारतीय लोगों ने वहाँ जाके ईंट की खेती यानी गन्ने की खेती करना स्टार्ट कर दी है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है, ठीक है। और भारत में बैठे बैठे हम ये समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती, प्राणवती का मतलब क्रियाशील या जीवन, चिरायु है, चिरायु का मतलब जिसकी बहुत लंबी आयु होती है। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो ये थी कि भारतीय लोगों को भी क्रिस्तान हो जाए, किंतु क्रिस्तान एक धर्म होगा, किंतु भारतीयों के ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों यानी कुछ उनको लोभ भी दिया गया कि तुम ये ले लो, ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो गया, लेकिन उन लोगों ने उनको सबको ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था यानी कि वो अंग्रेज लोग उनको लेके वहाँ पे डाल दिए थे, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। फिर कह रहा कि मॉरिशस के प्रत्येक ग्राम में एक शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और छान पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिर और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य देखा। सुरम्य का मतलब देखने में अच्छा लगने वाला। कितना अच्छा हो यदि हम भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ मॉरिशस में दिखाई देते हैं। वहाँ का परी तालाब भी हिंदू की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्यधाम है। पुण्यधाम का मतलब जहाँ पर पुण्य कमाया जाता है वो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं दृश्य में भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधे पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और यहाँ से जल लेकर अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा तो शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम वे बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गांधी टोपी पहनते हैं। हाँ, बच्चों को हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उस दिन भी उन्हें पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला ये मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षण में से एक है। उसे देखने को अन्य धर्मों के भी लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, ठीक है। अन्य धर्मों के लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। ये है वर्ड मीनिंग, तो आप लोगों को क्या करना है, याद करना होगा। और ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए, जैसे अधिकतम, ठीक है, तो हम ये कह देंगे भारत की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम का यहाँ पे यूज आया है तो ऐसे ही द्वीप का यूज करके, संस्कृत का यूज, चिरायु का यूज करके आप लोगों को वाक्य बनाने का प्रयास करना है। उसके बाद है इनके पर्यायवाची लिखना है, जैसे यहाँ पे क्या लिखना है, शेर लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, केसरी लिखना है। इस तरीके से इसके क्या लिखना है, दो दो पर्यायवाची लिखना है। और फिर निम्नलिखित को पहचान कर लिखिए, ये शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है। जैसे राजस्थानी है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे इस
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पहचान करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि उसके लास्ट में क्या आता है। जैसे कि राजधानी होती है कि होता है, राजधानी होती है, सड़क क्या है, होती है कि होता है, होती है तो स्त्रीलिंग। जैसे झुंड, झुंड होती नहीं है, झुंड होता है, ठीक है, तो इसको हम पुल्लिंग में कहेंगे। नियम देखिए, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, जैसे सूर्यास्त है, ठीक है, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी, ऐसे सूर्यास्त, ऐसे शुद्ध करके लिखना है। जैसे मॉरीशस है, ये मॉरीशस लिखा हुआ है, ठीक, ये आपके क्वेश्चन आंसर है।